हेलो गाइज, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दिस सेशन ऑन यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचिंग सेंटर, योर एजुकेटर डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार। आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से एंटीबॉडीज के CDR के संबंध में देखेंगे। CDR का फुल फॉर्म कंप्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन। CDR मेनली रूप से पैराटॉप का ही भाग होता है और पैराटॉप एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में कि एंटीबॉडीज मेनली रूप से 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, जिसमें हैवी चेन एंड लाइट चेन। हैवी चेन एंड लाइट चेन के एंड टर्मिनल पोर्शंस पर वेरिएबल रीजन्स और उसके जस्ट नीचे कांस्टेंट रीजन होता है। ये वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन हैवी एंड लाइट दोनों चेन में होते हैं। वेरिएबल पार्ट एंड कांस्टेंट पार्ट, जो वेरिएबल पार्ट में मेनली रूप से 3 लूप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इट इज कॉल्ड CDRs और उसके स्ट्रक्चर में CDR1, CDR2, CDR3 CDRs एक पैराटॉप में होते हैं। तो एक पैराटॉप का मतलब एक लाइट और एक हैवी, लाइट और हैवी चेन मिलकर के पैराटॉप कहलाते हैं। तो एक हैवी चेन और लाइट चेन है दोनों पर, बोथ पर 3 लूप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपका CDR कहलाता है। इस तरह से नॉर्मल या टिपिकल एंटीबॉडीज में मुख्य रूप से 2 पैराटाइप्स होते हैं और 1 पैराटाइप्स टाइप हैज 2 चेन, हैवी एंड लाइट, और ईच हैवी और लाइट चेन हैज 3 CDR। So, one antigen binding site, one paratop has 6 CDRs or one antibodies has 2 paratops. So, one and normal or typical antibodies has 12 CDRs। तो हम लोग मुख्य रूप से यहां पर देखेंगे कि CDR क्या है। तो CDR इज द सेट ऑफ पैराटॉप,
CDR मेनली रूप से जो है या यूनिट ऑफ पार्ट ऑफ बोल सकते हैं, CDRS आर द यूनिट ऑफ पार्ट ऑफ, और पार्ट ऑफ इज द सेट ऑफ CDR. तो मेनली रूप से हम देखते हैं कि CDR का स्ट्रक्चर कैसा होता है. CDR is complementarity determining region. C4 complementarity, D4 determining और R4 यहां पर regions. तो CDRS का फुल फॉर्म जो हुआ complementarity determining regions, और ये जो है आपका it is also called हाइपर वेरिएबिलिटी. मतलब यह जो CDR होते हैं वो ये इस तरह से है आपका. इसमें मेनली रूप से ये आपका लाइट चेन हुआ LC बोल सकते हैं, और ये आपका हैवी चेन है. एज ए सेम जो है ये आपका हैवी और ये लाइट चेन है. अब ये जो लाइट चेन का ये जो रीजन है मेनली रूप से ये भाग, और यहाँ पर हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, ये जो भाग है वो आपका वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन ही है, और यह जो रीजन है ये आपका वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन. यहाँ पर अभी हटाते हैं वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन यहाँ पर. तो यहाँ पर जो CDR है वह मुख्य रूप से वेरिएबल रीजन, यहाँ पर जो है वेरिएबल रीजन पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और ये आपका वेरिएबल रीजन है. तो यहाँ पर और इस रीजन पर दोनों पर जो है आपका CDR पाए जाते हैं, वेरिएबल हैवी चेन और वेरिएबल लाइट चेन पर 3+3 इस पर और 3 इस पर लूप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, नन है CDR. वो इस तरह से आपका 3+3 मतलब 6 एक पार्ट ऑफ हुआ, तो 6 आपका CDR इन वन पार्ट ऑफ. दूसरा पार्ट ऑफ पर भी उसी तरह से 3+3 लूप लाइक स्ट्रक्चर्स CDR होते हैं, तो आपका 6 इधर प्लस ये 6 इधर बराबर 12 पार्ट ऑफ इन
नॉर्मल और टिपिकल एंटीबॉडीज में पैराटॉप्स होते हैं, और यही पैराटॉप ये आपका कंस्टिट्यूट्स द ये सीडीआर, या सीडीआर कंस्टिट्यूट्स द ये आपका पैराटॉप्स। तो ये हाइपर, इट इज आल्सो कॉल्ड हाइपर वेरिएबिलिटी। यह जो रीजन है वह बिल्कुल वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजेंस होते हैं, तो उससे कैच के लिए यहाँ पर भिन्न भिन्न तरह की, ये चूंकि पॉलीपेप्टाइड्स हैं, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, एक प्रोटीन से बना होता है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं और यह वेरिएबल होता है। इस ये अगर पॉली एंटीबॉडीज है तो इसमें आपका लाइसिन, अर्जिनिन जो भी है, तो दूसरे में और भी दूसरे तरह के एंटीबॉडीज में दूसरे तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। मतलब इसकी जो है बिल्कुल वेरिएबल होता है हर एक एंटीबॉडीज में, ये कहने का मतलब, क्योंकि हर एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज स्पेसिफिक एंटीजेंस को बाइंड करता है, इसलिए उससे जो है आपका जिस तरह के एंटीजेंस हैं उसके अनुसार वो आपका वेरिएबल होता है। लेकिन जस्ट इसके नीचे ये आपका कॉन्स्टेंट रीजन होता है, ये आपका CH1 होता है इसमें, और फिर ये CH2 हुआ, ये आपका CH3 होता है हैवी चेन में। लेकिन इसमें जो है सो सिर्फ ये आपका कॉन्स्टेंट लाइट चेन में एक होता है। तो कॉन्स्टेंट करने का मतलब हुआ कि इसमें जो है आपका नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स और सेम टाइप ऑफ आपका अमीनो एसिड जो है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज में वह आपका फिक्स्ड होता है, सो इट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट रीजन। तो कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन एंड कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, इसमें इसलिए कॉन्स्टेंट। सो अब मेनली रूप से ये पैराटॉप और सीडीआर का जो फॉर्मेशन करते हैं वो आपका हैवी एंड लाइट के आपका वेरिएबल रीजन पर ही होते हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड हाइपर वेरिएबिलिटी, या इट इज हाइपर वेरिएबिलिटी, यह जो है आपका हाइपर वेरिएबिलिटी होता है। तो ये आपका सीडीआर, ये आपका इस तरह से। अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो थ्री लूप्स में होते हैं वो कैसे होते हैं। यहाँ पर देखते हैं आपका मेनली रूप से सीडीआर का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ये वेरिएबल रीजन है, यहाँ पर ये आपका वेरिएबल रीजन है भी एल, और ये आपका भी एच, इसी तरह से ये भी एच और ये भी एल, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, वेरिएबल ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल ऑफ लाइट चेन। अब इस पर जो है इस तरह से थ्री
ये लूप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आपका इस तरह से जो है आपका ये जो है आपका सी डी आर एस कहलाते हैं। तो हैवी चेन और ये आपका लाइट चेन, हैवी चेन और लाइट चेन, इस तरह से ये आपका लूप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कंप्लीमेंटेरिटी कंप्लीमेंटरी डिटरमाइनिंग रीजंस होता है। माने पारा टॉप जो हुआ वो आपका सीडीआर का सेट है और ये आपका होल स्ट्रक्चर ये जो हुआ आपका ये आपका पारा टॉप कहलाता है और एबीएस कहलाते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट्स ये कहलाते हैं। और यह पारा टॉप और एंटीजन बाइंडिंग साइट एक पारा टॉप ये इसमें आपका 6 1 2 3 1 2 3 आपका 6 सी डी आर एस। इसी तरह से सेम यहां ये आपका पारा टॉप ये रीजन पारा टॉप ये आपका 1 2 3 1 2 3 तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 यहां पर भी 3 प्लस 3 बराबर 6 सी डी आर एस। तो इस तरह से टोटल एक एंटीबॉडीज में आपका 6 प्लस 6 बराबर आपका 12 सी डी आर एस। एक एंटीजन में एक एंटीबॉडीज में सॉरी एंटीबॉडीज में आपका 12 सीडीआरएस और 2 पारा टॉप्स ओनली एक वन और एक आपका पारा टॉप की 6 और 2 इन 2 पारा टॉप्स 2 इन 2 पारा टॉप्स 2 पारा टॉप्स एक एंटीबॉडीज में और 12 सीडीआर आपका प्रेजेंट होते हैं सिंगल और टिपिकल एंटीबॉडीज में। अब मेनली रूप से देखते हैं इसको और डिटेल स्ट्रक्चर कि सीडीआर किस तरह से ये अरेंज होते हैं। यहां पर हम लोग ये समझ गए कि आपका ये वेरिएबल रीजन में ही आपका लाइट और हैवी चेन में आपका 3 लूप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपका सीडीआर एस कहलाते हैं एज ए सेम यहाँ पर। अब देखते हैं आगे ये तो हुआ आपका इस तरह से स्ट्रक्चर्स। सिर्फ यहां पर हम वेरिएबल रीजन को देख रहे हैं
किसी एक पर देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से है ये आपका सी एच, ये आपका सी एच हो गया, ये आपका बी एच होगा। यहां पर सी डी आर वन, सी डी आर टू, सी डी आर थ्री, इसी तरह से सेम यहां पर सी डी आर वन, यहां पर सी डी आर टू, इस तरह से, और फिर यहां पर सी डी आर थ्री, दोनों में इस तरह से जो है आपका, इसके बीच में जो है आपका एफ आर, यहां पर जो है एक रीजन होते हैं एफ आर, यहाँ पर जो यह रीजन है एक एफ आर, ये जो है आपका वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब यह जो आपका सी डी आर का प्रत्येक सी डी आर के बीच में एक एफ आर, एफ आर, एफ आर का मतलब आपका फ्रेम वर्क रीजन, इसका मतलब होता है फ्रेम वर्क रीजन एफ आर, एक सी डी आर के बीच में यह आपका एफ आर रीजन होता है, फिर सी डी आर टू, फिर एफ आर फ्रेम वर्क रीजन, फिर सी डी आर थ्री, फिर आपका एफ टू, तो एफ आर जो है फ्रेम वर्क रीजन, नो वेरिएबल्स, वेरिएबल या नो वेरिएशन, इसमें जो है आपका नॉट वेरिएबल, वेरिएबल ये जो है आपका वेरिएबल नहीं होता है, ये आपका फिक्स्ड होता है, इसमें जो आपका अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें चेंजिंग नहीं होती है, सिर्फ सी डी आर वन, सी डी आर टू, सी डी आर थ्री में जो है ये आपका वेरिएबल होता है एज ए सेम, इस तरह से ये आपका फिर कांस्टेंट रीजन हो गया, कांस्टेंट रीजन, लेकिन यही जो है आपका मेनली रूप से जो है पारा टॉप कहलाता है, मतलब सी डी आर जो है इट बाइंड्स एंटीजेंस, सी डी आर को कह सकते हैं कि आपका ये जो वेरिएबल हाइपर वेरिएबिलिटी प्रदर्शित करता है, और इट बाइंड्स पारा टॉप, सॉरी इट बाइंड्स एंड इपिटॉप, क्योंकि एंटीजन को यह बाइंड करता है, तो एक चेन का हम दिखाए हैं सिर्फ यहां पर, दूसरा चेन भी अगर यहां पर रहेगा इस तरह से, ये आपका इस तरह से, और यहां पर भी एक रहेगा इस तरह से, ये आपका लाइट चेन हुआ, इसमें भी इसी तरह के कंडीशंस होंगे, इस तरह से ये आपका सी डी आर वन, यहां पर एफ आर, सी डी आर टू, सी डी आर थ्री, यहां पर एफ आर, यहां पर एफ आर, एज ए सेम यहां पर भी सी डी आर वन, यहां पर इस तरह से सी डी आर टू, और ये आपका सी डी आर थ्री, ये आपका इस तरह से जो है सी डी आर अरेंज होते हैं, जो आपका पाराटॉप का निर्माण करता है, और पाराटॉप जो है बाइंड्स इपिटॉप्स, इपिटॉप का मतलब एंटीजेंस का जो भाग होता है वो आपका इपिटॉप कहलाता है, तो ये आपका सी डी आर ये हुआ। तो ये आपका डायग्राम मैटिकली ये आपका सी डी आर
किस तरह से ये एजेंट होते हैं और इसके बीच में एफ आर जो आपका नॉन वेरिएबल और ये आपका नॉट वेरिएबल ये पार्ट होते हैं उसके बीच बीच में। तो इस तरह से आपका 12 CDR और एक पार्ट ऑफ में 6 CDR और इस तरह से टिपिकल एंटीबॉडीज में होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि CDR फर्स्ट पॉइंट है कि CDR आर पार्ट ऑफ द वेरिएबल चेन इन एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का जो वेरिएबल रीजन होता है वो आपका CDR उसी का वह पार्ट है। ये सेट ऑफ बाइंड टू दियर स्पेसिफिक एंटीजन यह जो है आपका जो स्पेसिफिक एंटीजन है उसको आपका वह बाइंड करता है। यह हाइपर वेरिएबल रीजन होता है मतलब यह आपका वेरिएबल रीजन का मतलब ही हुआ कि यह वेरिएबल होता है नॉट यह आपका फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स। इट बाइंड्स इपिटॉप यह इपिटॉप्स को बाइंड करता है। इपिटॉप का मतलब आपका एंटीजेंस। देयर आर 3 CDRs इसमें जो है आपका 3 CDRs होते हैं CDR1 CDR2 एंड CDR3 ऑन द वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन पर एवरी ईच हैवी एंड लाइट चेन देयर आर 6 CDRs फॉर ईच एंटीजन रिसेप्टर। एंटीजन रिसेप्टर मतलब आपका पैराटॉप। पैराटॉप ही एंटीजन रिसेप्टर्स होते हैं जिस पर एक पैराटॉप पर 6 CDRs प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका CDR के बारे में हुआ। CDR पार्ट ऑफ द वेरिएबल चेन इन एंटीबॉडीज ये सेट ऑफ बाइंड टू देयर स्पेसिफिक एंटीजन ये हाइपर वेरिएबल रीजन होते हैं। इट बाइंड्स इपिटॉप्स और देयर आर 3 CDR CDR1 CDR2 CDR3 और एक पैराटॉप पर 6 CDR प्रेजेंट। तो यहां पर सेकंड पॉइंट है नेक्स्ट ये सिंगल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज टू पैराटॉप्स। सिंगल या टिपिकल एंटीबॉडी में टू पैराटॉप्स होते हैं एंड देयरफॉर कंटेंस 12 CDRs टोटल। इसमें जो है जो आपका 12 CDRs होते हैं। 60 CDRs कैन बी फाउंड ऑन ए पेंटामेरिक IgM मॉलिक्यूल। एंटीबॉडीज का टाइप है आगे हम देखेंगे IgM IgA एंड इम्यूनोग्लोबुलिन हुआ MAG। तो इसमें M जो है IgM जो होते हैं वो आपका पेंटामेरिक होते हैं। पेंटामेरिक मतलब बताए थे कि इस तरह से जो है आपका पांच जो है ये होते हैं इस तरह से फिर आपका इस तरह से है ये आपका इस तरह से। तो एक एक आपका मोनोमेरिक में इन मोनोमेरिक में आपका कितना होता है 12 CDRs। तो डाइमेरिक में क्या होगा जस्ट दुगना हो जाएगा 24। ट्राइमेरिक में आपका इस तरह से टेट्रा में आपका 48 और पेंटामेरिक में आपका 60 होगा इस तरह से जो है। तो आपका IgM जो है इम्यूनोग्लोबुलिन M जो है वो आपका पेंटामेरिक स्ट्रक्चर्स हैं मतलब आपका पांच जो है ये आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं। तो इसमें जो है आपका हाईएस्ट CDRs प्रेजेंट इन पेंटामेरिक IgM मॉलिक्यूल्स और IgA जो है आपका डाइमेरिक होते हैं। तो डाइमेरिक में कितना होगा आपका 2×12 बराबर आपका CDRs। IgA में आपका यह डाइमेरिक है तो मोनोमेरिक में आपका 12 हुआ
तो डाइमेरिक में आपका 24 सिलिया रेशो में। उसी तरह से ट्राई टेट्रा पेंटा में इस तरह से आपका, तो सबसे हाईएस्ट जो है आईजीएम में है, और बाकी जो है मोनोमेरिक है उसमें आपका 12, डाइमेरिक में इस तरह से। तो आईजीएम ये और आईजीए डाइमेरिक और बाकी जो भी एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज हाँ, वो आपका मोनोमेरिक होते हैं। ये पेंटामेरिक, ये आपका डाइमेरिक, और जो बचे ई है, जी है, डी है, ये सब सारे जो हैं आपका मोनोमेरिक होते हैं, और उसमें आपका 12 CDRS होते हैं। तो यही आपका CDRS इन एंटीबॉडीज, तो और इट कंस्टिट्यूट्स पारा टॉप्स। तो आज का सेशन हम CDR के बारे में कंप्लीटली बतलाए, और आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू।